जैसे आपको बताया कि छोटे बच्चे वायरस को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं, अडल्ट से ज़्यादा आसानी से हैंडल कर देते हैं, और छोटे बच्चों में कुछ एस रिसेप्टर्स कम होते हैं उनकी लंग्स में, जहाँ पे वायरस अटैच करता है तो उनकी लंग में एस रिसेप्टर्स कम होते हैं, तो इसलिए उनमें इन्फेक्शन कम होता है, देखा गया है। मगर दूसरी बात ये भी देखी गई है इस सर्वे में, आप देखिए कि 6 से 9 वर्ष के बच्चों में 57.2% एंटीबॉडीज़ हैं, जो बिल्कुल एडल्ट के बराबर ही है, उनका 60, 62, 64 के करीब है, तो बिल्कुल बराबर ही है। और जैसे कि कई यूरोप के देशों में उन्होंने प्राइमरी स्कूल बंद ही नहीं किए थे, चाहे फर्स्ट वेव हो, चाहे सेकंड वेव हो, चाहे थर्ड वेव हो, उनके यहाँ स्कूल खुले रहे थे प्राइमरी स्कूल। और ये इसलिए मैं हम लोग की हिदायत ये है कि प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं, पहले पहले खोले जा सकते हैं, क्योंकि क्योंकि बच्चों में जैसे मैंने रीजंस आपको बताए, तो प्राइमरी स्कूल्स में पहले खोले जाने चाहिए और फिर सेकेंडरी स्कूल खोले जा सकते हैं। मगर ये देखना ज़रूरी है कि जितना भी सपोर्ट स्टाफ है, चाहे स्कूल के बस ड्राइवर्स हों या टीचर्स हों या प्राइमरी स्कूल में और सपोर्ट स्टाफ है, वो सब वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है।